दुर्ग के मानस भवन के समीप मनरेगा कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन सातवें दिन भी जारी, नियमितीकरण की मांग को लेकर अड़े। वहीं इनके समर्थन में आए पंचायत सचिव, संघ के पदाधिकारी। नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलनरत मनरेगा अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल सातवें दिन भी जारी रही, जहां जिले के समस्त मनरेगा कर्मचारियों व अधिकारियों ने उपस्थित होकर अपनी एक सूत्री नियमितीकरण की मांग को लेकर आवाज बुलंद की। मनरेगा अधिकारियों कर्मचारियों की हड़ताल का असर मनरेगा योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों में दिखाई देने लगा है, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन लगभग 60,000 से ज्यादा मजदूरों को रोजगार प्राप्त होता है। ऐसे में मनरेगा अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल से मनरेगा मजदूरों के सामने बेरोजगारी की समस्या गंभीर होती जा रही है। गौरतलब है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपनी चुनावी वादे में मनरेगा अधिकारियों व कर्मचारियों के नियमितीकरण का भरोसा जताया था, जिस पर अब तक अमल नहीं किए जाने से मनरेगा अधिकारी व कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी है। इस मौके पर मनरेगा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने कहा कि जब तक प्रदेश सरकार अपने चुनावी वायदे को पूरा नहीं करती है, तब तक उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं इनकी मांगों को जायज मानते हुए पंचायत सचिव के पदाधिकारियों ने भी अपना समर्थन देकर प्रदर्शन कर रहे स्थल पर पहुंच अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस संबंध में न्यूज टीम को पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे मनरेगा के अधिकारी कर्मचारी रोजगार सहायक भाई आंदोलनरत है, और सरकार में आने से पहले, विधानसभा चुनाव के पहले, जितने अनियमित कर्मचारी उसको नियमित करेंगे और वेतनमान निर्धारण करेंगे करके अपने घोषणा पत्र में सम्मिलित किया था। और 3 साल गुजर जाने के बाद किसी भी कर्मचारियों का सूद नहीं लेना ये घोर चिंतन का विषय है, और हमारे मनरेगा के कर्मचारी अधिकारी सब आंदोलन में हैं। प्रदेश सचिव संघ और दुर्ग जिले सचिव संघ इनका समर्थन करता है, और सरकार यदि किसी भी प्रकार के आंदोलन को कुचलने की कोशिश करता है तो पंचायत विभाग में पंचायत सचिव भी इनके समर्थन में आंदोलन में आ जाएंगे। प्रशासन से आवेदन और निवेदन है कि जितने हमारे मनरेगा के अधिकारी कर्मचारी हैं, रोजगार सहायक साथी हैं, उनका नियमितीकरण करें, ग्रेड का निर्धारण करें, यही हमारे समर्थन है। अपना परिचय बताएं। महेंद्र कुमार साहू, जिला अध्यक्ष, सचिव संघ। सप्ताह हो गया हमारे प्रदर्शन को करते हुए, और एक सप्ताह में शासन की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमारे मनरेगा महासंघ की तरफ से छत्तीसगढ़ के समस्त अधिकारी कर्मचारी और रोजगार सहायक 15,000 की संख्या में पूरे जिला स्तर सभी जिलों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, वापसी का कोई गुंजाइश ही नहीं है। सभी ठान क्या है कि नियमितीकरण लेकर जाएंगे, और प्रतिदिन संख्या बढ़ रही है और प्रदर्शन जो है उग्र हो रहा है। और आज से दंतेवाड़ा से दांडी यात्रा निकली है 78 लोगों की संख्या। अपना परिचय बताओ। संजय सोनवानी, ब्लॉक अध्यक्ष, पाटन। अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, उसी के विरुद्ध हम लोग हड़ताल में आए हैं, और शुरू से हमारी वही मांग है नियमितीकरण और ग्रेड, क्योंकि अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, 3 साल पूर्ण होने के बाद भी अभी तक कोई आश्वासन या अभी तक नहीं किए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन ये उग्र होती जा रही है और हमारी मांग को मानना ही पड़ेगा। ट्रेंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।